YouTube चैनल सत्यम सोलर आटा चक्की में। दोस्तों आज हम बताएंगे कौन सा स्पेलर लेना चाहिए आपको। आपने YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, बट हम मिल वाले हैं, आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे कौन सा स्पेलर लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं साहू वाला स्पेलर की। तो साहू वाला स्पेलर का एक सबसे बड़ी खासियत है ये कि वो बहुत कम जगह लेता है। आपके पास अगर जगह का अभाव हो, छोटा अगर शॉप हो आपका, तो ये उसमें आ जाएगा। आप अगर आटा चक्की चला रहे हो और छोटा सा चक्की के साथ साथ में आप ये छोटी सी जगह में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, आपको ये सबसे पहला फ़ायदा है इसमें। दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें आपका बजट का भी इशू है, वो भी आपको इसको कम लगेगा। ये अभी के आज के डेट का मार्केट का रेट अगर पता किया जाए तो लगभग 60 से 70 हज़ार इसका रेट है, जो दूसरे कंपनियों से सस्ता है। दूसरी चीज़ है कि आप इसमें पिराई कितना कर सकते हैं, सबसे अहम टॉपिक है कि पिराई कितना कर सकते हैं। तो अगर आप इससे 10 एचपी का मोटर से अगर आप इसको रन करेंगे तो 40 केजी से ऊपर का पिराई आपको लगभग दे देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप पिराई का जो आप बात कीजिएगा, बहुत सारे दोस्तों बोल रहे थे हमारा तो इतना ही पैरता है, इतना पैरता है। तो दोस्तों इसमें आपका अनुभव की कमी है, थोड़ा अनुभव आपका जब बढ़ेगा धीरे धीरे तो आप इसका निकासी ज़्यादा कर पाओगे। क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा, आप कितना कभी पानी ज़्यादा डाल दोगे, कभी पानी कम डालाएगा, तो इसमें पानी का भी इशू रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए तो वो गिल्ला हो जाता है ज़्यादा, तो उसमें भी आपका निचोड़ जो कैपेसिटी है पिराई करने का वो कम हो जाता है, और कम भी होता है उसमें भी होता है। तो इसको जितना जेन्युइन चाहिए वो पानी अगर आप डालिएगा तो उसमें आप अनुभव जब आपको हो जाएगा इस चीज़ का, तो आप धीरे धीरे उसमें आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और इसमें आपका देखिए जो साहू स्पेलर है ये पत्ती सिस्टम आती है, तो आपका जो घिसने वाला इसमें जो प्रोडक्ट है वो आपका पत्ती है और बारम है, ये दो चीज़ ज़्यादातर घिसते हैं इसमें। और ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस नहीं है, ना के बराबर मेंटेनेंस है। आप जब 500-600 क्विंटल का पिराई कर लोगे तो सिर्फ एक बार बारम चेंज करना रहेगा, और जो पत्ती जो पहले से लगा होगा उस पत्ती को सिर्फ उल्टा कर देना है, जो अंदर से अंदर का भाग रहेगा वो क्योंकि घिस चुका होगा जब आप बारम चेंज कीजिएगा, तो उस टाइम लगभग आप 500 क्विंटल प्लस आपका पिराई हो चुका होगा, तब की हम बात बताते हैं। तो उसमें केवल आपको पत्ती चेंज कर देना, उल्टा कर देना, चेंज नहीं करना आपको, जो अंदर साइड का है वो बाहर साइड कर देना है, और सिर्फ आपको बारम चेंज कर देना है। इसमें क्या होगा, बारम सिर्फ आपका बारम का ही पैसा लगेगा, पत्ती का पैसा नहीं लगेगा। तो ये इसमें कम मेंटेनेंस का चीज़ है, ये ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है। और हम बात करें तेल का निचोड़ का, तो तेल का निचोड़ इसका बढ़िया है और तेल बढ़िया आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा तेल गर्म होता है बट तेल का निचोड़ बढ़िया है। और इसका दोस्तों खल जो होता है ना वो बहुत बारीक होता है, तो बारीक आपका लगभग एक सूता ऐसा खल होता है, तो बहुत बारीक होने के कारण इसका तेल का निचोड़ जो है वो बढ़िया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 6 वोल्ट बड़े वाले स्पेलर की। तो आप लोग ने YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखे होंगे इसके 6 वोल्ट का, क्योंकि ये पुराना टेक्नोलॉजी है, बहुत लंबे टाइम चल रही है ये स्पेलर। और अभी के डेट में अगर मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्पेलर चलता है तो 6 वोल्ट स्पेलर चलता है, इसका डिमांडेड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजी पहले से आया है, पुराना टेक्नोलॉजी होने के कारण मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि पुराना है। और जो भी आदमी ने इन सारे स्पेलर में से आप जो चूज किया है वो 6 वोल्ट का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो 6 वोल्ट को सब लोगों ने 6 वोल्ट पे ही शिफ्ट हो गया। अभी के डेट में सबसे ज़्यादा 6 वोल्ट ही बिकती है, और आपका शॉप में अगर जगह जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा स्पेलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेट जो है दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा है, अब छोटा स्पेलर से 3 गुना रेट है। अभी के आज के डेट का रेट अगर बात करें तो 180 का लमसम में इसका रेट है दोस्तों। और इसका तेल का निचोड़ की बात करें तो तेल का निचोड़ भी बढ़िया है, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तेल का निचोड़ बढ़िया है। और इसका एक और फ़ायदा दोस्तों कि इसमें तेल जो है वो हीट नहीं होता है, तो तेल नहीं हीट होता है इसलिए तेल का जो भी गुनु है उसके अंदर बरकरार रहता है। और हम बात करें इसकी खल की, तो खल थोड़ा मोटा होता है, अगर आप पतला करना चाहेंगे तो पतला हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मोनी लगा हुआ रहता है चाप दाब, उसको अगर आप टाइट कर दीजिएगा तो पतला हो जाएगा। बट इसमें पतला अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपका जो झाग है वो बहुत ज़्यादा आएगा, इसमें आपको परेशानी क्या होगी कि झाग को बार बार डालना पड़ेगा आपको निकाल निकाल के। तो ये
इसलिए ज्यादातर स्पेलर में देखिएगा मोटा खल रखते हैं ताकि झाग कम आए। तो झाग कम आता है तो आपको परेशानी कम होती है, उसमें बार बार आपको झाग को उठा के नहीं डालना पड़ता है। तेल में झाग कम आता है, तेल थोड़ा फ्रेश होता है, साफ होता है। तो ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था हम आपको शेयर किए, और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्पिलर लेना चाहिए। आपका बजट है, फिलहाल जगह है, ये चीज़ देखना है। लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए 6 वोल्ट स्पिलर बढ़िया है, ये चीज़ तो भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसका जो है और लो क्वालिटी का लोखन लगा हुआ रहता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो एक सिर्फ 60,000 का स्पिलर है और उसका 3 गुना एक 80 का स्पिलर है, तो उसका जो लोखन है वो थोड़ा हार्डली होता है। लॉन्ग लास्ट के लिए 6 वोल्ट बढ़िया है, बट आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप ये साहू का या फिर अदर कंपनियों का जो पत्ती सिस्टम वाला नया टेक्नोलॉजी का स्पिलर आया है, ये आप लेके चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, इससे वीडियो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। आप किसी तरह का आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।